हेलो फ्रेंड, टेक फोर में आप लोगों का स्वागत है। तो आगे आने वाले असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन और यूपी आर्मिनल का जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को देखते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जिसमें सबसे पहले हम लोग हिंदी के नाउन मतलब कि संज्ञा को डिस्कस करेंगे। तो संज्ञा को डिस्कस करने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। हिंदी से जो भी क्वेश्चन आप लोगों की यूपी आर्मिनल या असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में बनने वाले हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरी सारी जितने भी हिंदी सीरीज से जो भी वीडियो आएंगी, उनको देखने के बाद आपके सारे के सारे क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए, आप लोग देख पा रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर शब्द और पद, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर लिखा है शब्द और पद। तो शब्द क्या होता है आप लोगों को मैं बता दूँ, तो शब्द एक स्वतंत्र रूप है। जब शब्द स्वतंत्रतापूर्वक प्रयुक्त होता है और वाक्य से बाहर होता है, कहने का मतलब शब्द जो आपका होता है एक स्वतंत्र रूप है, तो उस समय उसे हम शब्द बोलेंगे। जैसे क्या, कौन, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी, ये शब्द हैं। लेकिन उन्हीं शब्दों को आप अगर किसी वाक्य में यूज कर दें, शब्द वाक्य में उपयोग करते हैं, जैसे कि मैं घर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अब शब्द न रह करके पद हो गया। तो जब शब्द को स्वतंत्र रूप में यूज करते हैं तो उसे शब्द बोलते हैं, जबकि शब्द को हम लोग अगर किसी वाक्य में यूज करते हैं तो वहाँ पर हम लोग उसे बोलते हैं पद। तो ये सारे डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। अब आ गई बात पद की, तो पद आपके पांच प्रकार के होते हैं दोस्तों। जो पद होते हैं आपके पांच प्रकार के होते हैं, और ये कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो इन सारी चीज़ों में आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे संज्ञा के पॉइंट को, उसके बाद आगे की पॉइंट बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं संज्ञा होती क्या है। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। कहने का मतलब कि संज्ञा का मतलब है किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो संज्ञा मुख्यतः कर्ता के रूप में कार्य करती है। तो किसी भी वस्तु हो गई या स्थान हो गया या किसी भी जीव या फिर किसी भी भाव, इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के नाम जो होते हैं उन्हें हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः दोस्तों दो भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संज्ञा के प्रकार को पढ़ेंगे। तो हम लोग संज्ञा को दो टाइप से जो है कि क्लासिफाई करते हैं, पहला तो आपको उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा आप लोगों के अर्थ के आधार पर। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर आपकी जो संज्ञा होती है वो तीन प्रकार की होती है। कौन कौन से तीन होती है? पहला आपका जो होता है वो होता है रूढ़। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो पहला जो प्रकार है वो रूढ़ होता है, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। तो मैं आप लोगों को बता दूँ रूढ़ क्या होता है। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका विखंडन आप लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों का राम, श्याम, राधे, ये सारे जो शब्द हैं जिनका अपने आप में ही एक अर्थ आता है, तो वहाँ पर उसको हम लोग रूढ़ शब्द बोलते हैं। जबकि यौगिक शब्द क्या होता है? जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है, तो उस प्रकार के शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों का पनघट हो गया, पाठशाला हो गया, पढ़ने के लिए जो शाला स्थान बनाया जा रहा है, विद्यालय हो गया, विद्या के लिए जो आलय बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार के शब्द आप लोगों के जो आएंगे वो आएंगे किस में दोस्तों? तो वो आएंगे यौगिक शब्द में। तीसरी पॉइंट जो आप लोगों की होती है वो होता है योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है दोस्तों? देखने में तो योग रूढ़ जैसे लगेगा कि आप लोगों का यौगिक शब्द है, लेकिन अगर इनका विखंडन किया जाए तो यहाँ पे कोई भी अर्थ नहीं निकल के आता है। तो ऐसे संज्ञा के शब्दों को हम लोग बोलते हैं योग रूढ़। जैसे जलज, जलज का आप लोग विखंडन नहीं कर सकते हैं। तो इस जैसे आपका हो गया योग रूढ़ में कमल हो गया, जलज हो गया, नयन हो गया, हाँ, तो इस प्रकार के शब्दों को हम लोग जो है कहते हैं योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द एक अर्थपूर्वक शब्द होते हैं जिनका विखंडन नहीं किया जा सकता। योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं? योगरूढ़ शब्द भी अर्थपूर्वक शब्द होते हैं परंतु उनका विखंडन किया जा सकता है, सॉरी, यौगिक शब्द एक अर्थपूर्ण शब्द होते हैं परंतु उनका विखंडन किया जा सकता है। जबकि योगरूढ़ शब्द देखने में जैसे लगते हैं कि यौगिक शब्द हैं और परंतु वास्तव में ये होते क्या है? रूढ़ शब्द होते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं योगरूढ़ शब्द। अब दोस्तों अगली पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि आप लोगों की अर्थ की दृष्टि से संज्ञा पांच प्रकार की होती है। तो संज्ञा के जो पांच प्रकार हैं, यहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन आप लोगों की संज्ञा से जो उठते हैं तो यहीं से उठते हैं दोस्तों। तो पांच प्रकार की संज्ञा कौन सी होती है? पहला होता है आप लोगों का व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है जातिवाचक,
तीसरी द्रव्यवाचक, चौथी समूहवाचक और पांचवी जो आपकी होती है वो भाववाचक संज्ञा होती है। तो इन पांचों संज्ञाओं को हम लोग पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा क्या होती है। सबसे पहली पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करते हैं तो वहाँ पर जो संज्ञा होती है उसे हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई भी आप वस्तु ले लीजिए, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, हाँ, उसके बाद जो है कि यमुना नदी, गंगा नदी, गोदावरी, या फिर किसी शहर का नाम ले लीजिए, वाराणसी, दिल्ली, मुंबई। तो इस प्रकार से वस्तु हो गई, या फिर आप लोगों का जो है कि स्थान हो गया, या इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर जो हम यूज करते हैं वो किस प्रकार को, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें तो जातिवाचक संज्ञा, जिसे कॉमन नाउन आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश से हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं, तो यहाँ पर हम लोग जातिवाचक संज्ञा के बारे में डिस्कस करेंगे। जातिवाचक संज्ञा मतलब ऐसा शब्द जो किसी जाति का बोध करता हो, तो वहाँ पर उस प्रकार के शब्द को हम लोग बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा, या इस प्रकार का ऐसा पद जो किसी जाति का बोध करता है, जैसे लड़की पूरे लड़की की जाति का बोध कर रहा है, लड़का पूरे लड़की के जाति का, नदी पूरे नदियों को संबोधित कर रहा है वो, हाँ, गाय पूरे गाय की जाति को, गाय का कोई स्पेशल नाम तो है नहीं कि नहीं, चलिए उसका नाम बबीता या सविता या समथिंग जो कुछ भी हो, हाँ। तो अगर कोई ऐसा शब्द या पद जो किसी जाति का संबोधन करता है, तो वहाँ पर उस प्रकार की संज्ञा को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग बात करें तो द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन जिसे बोलते हैं, नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि कोई भी द्रव्य हो, जैसे सोना, चांदी, दूध, दही, कुछ भी ले लीजिए जो द्रव्य हो, हाँ। तो इस प्रकार के शब्द या पद को हम लोग जो है कि क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोगों के यहाँ पर नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये संज्ञा किस चीज़ को प्रदर्शित कर रही है, किसका बोध कर रही है। तो जो ऐसा शब्द या पद जो किसी द्रव्य को, जैसे सोना, चांदी, लोहा, हाँ, जैसे तेल, घी या नमक, या फिर आप इस तरीके के जो भी शब्द होंगे, जितने भी शब्द होंगे, तो उस प्रकार के शब्दों को आप लोग जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत संबोधित करेंगे। अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें, कलेक्टिव नाउन जिसे आप लोग समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा आप लोगों को दोस्तों नाम से ही पता चल जा रहा है कि समूह को ये प्रदर्शित कर रहा है। जैसे कोई टीम हो गई, इंडिया टीम खेलने जा रही है, तो वहाँ जो टीम शब्द हो गया वो 11 लोगों को रिप्रेजेंट, 11, 12 या 15 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनको एक संबोधन दे रहा है। तो इस प्रकार के शब्द को हम लोग कहेंगे क्या, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कोई आयोग बैठ गया, या कोई समिति है, या कोई गांव में आप लोगों की पंचायत समिति है, या फिर अधिकारियों की कोई समिति है, कर्मचारियों की कोई समिति है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो समूह को प्रदर्शित करे उसको हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आप लोगों का हो गया समूहवाचक संज्ञा। और संज्ञा से रिलेटेड आप लोगों की आखिरी पॉइंट है जिसे आप लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो गई दोस्तों, जो किसी भी भाव को प्रदर्शित करता है, जो आपके मन में किसी भी प्रकार का भाव हो उस भाव को प्रदर्शित करता है, तो वहाँ पर जो संज्ञा आती है उसे हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे अगर आप, आपकी इच्छा है कि आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, जैसे कि तुम सदा खुश रहो, हाँ, तो यहाँ पर जो संज्ञा आप उपयोग करेंगे, या ये मान लीजिए कि ये लड्डू बहुत ही मीठा है, या इसमें बहुत ज़्यादा मिठास है, हाँ, तो जो आपके अंदर भाव आ रही है, जैसे कि आपके अंदर किसी को श्राप देने का भाव आ गया, या किसी को विश करने का भाव आ गया, या किसी को देख करके आपके, आपको मतलब जो भी आपके अंदर भावात्मक जो भाव उत्पन्न होते हैं, उस प्रकार की संज्ञा को आप लोग बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों ये आप लोगों के पांच प्रकार की संज्ञाएं हो गई, आप लोगों का जो संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों कभी कभार आप लोगों को थोड़ा मिस गाइड करने के लिए होता क्या है कि जो एग्जामिनर जो सेट बनाता है उसमें आप लोगों के व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज कर देता है। जैसे कि उसने बोल दिया गोस्वामी जी एक महान लेखक थे,
तो वहाँ पर गोस्वामी एक जाति को न प्रदर्शित करके एक विशेष व्यक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, तो आप लोग वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा गोस्वामी जी को लेंगे, न कि आप जातिवाचक संज्ञा गोस्वामी को समझ लेंगे। तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है। एग्जामिनर अगर आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहता है तो इस टाइप के क्वेश्चन डालता है। अगर संज्ञा आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया दोस्तों, तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।